मुंबई अपनी ऊंची इमारतों, भीड़ भाड़ और मजबूत ट्रेन परिवहन के लिए जाना जाता है। पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे और हार्बर लाइन की ट्रेनें हैं। आठ लोकल रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। दिलचस्प है कि इन आठ स्टेशनों का नाम बदला जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे स्टेशन ब्रिटिश काल के थे। इनका नाम मराठी और भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हुए रखे जा रहे हैं। इस पहल का प्रस्ताव सांसद राहुल शेवाले ने रखा था। प्रस्ताव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और अन्य कैबिनेट सदस्यों को दिया गया। इसे 13 मार्च 2024 को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा। यहां आठ स्टेशनों और उनके नए नामों की सूची दी गई है। कॉटन ग्रीन का नाम बदलकर काला चौकी कर दिया गया है। इस शब्द का मतलब क्या है? इसका नाम काला चौकी इसलिए रखा गया क्योंकि वहां एक पुलिस चौकी थी जो काले तारकोल से लेपित थी। चर्नी रोड का नाम बदलकर गिरगांव रखा जाएगा। इसका नाम प्रसिद्ध गिरगांव चौपाटी क्षेत्र के नाम पर रखा गया है क्योंकि गिरी का अर्थ पहाड़ी है, क्योंकि ये मलाबार हिल के पास है। गांव का अर्थ गांव होता है, इसलिए इसका नाम गिरगांव पड़ा। डॉकयार्ड का नाम बदलकर मसगांव रखा जाएगा। यहाँ इसका कारण बताया गया है। ये नाम मराठी शब्द माजा, जिसका अर्थ है मेरा, और गांव, जिसका अर्थ गांव है, को मिलाकर बनाया गया है। किंग सर्कल का नाम बदलकर तीर्थंकर पार्श्वनाथ किया जाएगा। इसका नाम स्टेशन के पास अंबेडकर रोड पर स्थित भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित एक जैन मंदिर के नाम पर रखा गया है। करी रोड का नाम बदलकर लालबाग किया जाएगा। इसे लालबाग क्षेत्र के नाम पर रखा गया है जो अपने 90 साल पुराने गणपति पंडाल लालबाग चाराजा गणपति के लिए प्रसिद्ध है। सैंडर्स रोड का नाम बदलकर डोंगरी किया जाएगा। डोंगरी नाम मराठी शब्द डोंगर से लिया गया है, जिसका अर्थ पहाड़ी है। मरीन लाइंस का नाम बदलकर प्रसिद्ध देवी और उनके मंदिर के नाम पर मुंबा देवी किया जाएगा। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना जगन्नाथ संकर्षित स्टेशन किया जाएगा। इसका नाम 1803 में थाने में जन्मे व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। वह बड़े होकर एक प्रसिद्ध व्यवसायी, शिक्षाविद और परोपकारी बने। उन्होंने मुंबई के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसी कारण इस स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखा गया है। इसके अलावा अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा जाएगा। ये
रानी अहिल्याबाई होलकर के महत्व को दर्शाता है जिनका जन्म वहीं हुआ था। नाम बदल दिए गए हैं लेकिन प्रक्रिया अभी भी चल रही है और अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। आप में से कई लोग ब्रिटिश नामों को लेकर भ्रमित हो गए होंगे, लेकिन अब हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। भविष्य में भी कुछ अन्य क्षेत्रों का भी नाम बदल सकता है। क्या आप इससे सहमत हैं या क्या आपको लगता है कि नाम वहीं रहने चाहिए? हमें कमेंट्स में बताइए।